हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, योर पर्सनल कंसल्टेंट में। दोस्तों, सीआरपीएफ की वेरियस पोस्ट निकली है, एसआई, एएसआई और कांस्टेबल की, मतलब सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की, ये निकली हुई है। और इस पर हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, वैकेंसी कितनी निकली है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है इस पोस्ट की। आइए देखते हैं, सीआरपीएफ वेरियस पोस्ट एसआई एएसआई कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2017। इसकी हम बात कर लेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ इंडिया आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एसआई सिविल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ एएसआई डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल एंड कांस्टेबल सिटी इन वेरियस आईटीआई ट्रेड। दोस कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग रिक्रूटमेंट एंड कंप्लीट द एजुकेशन एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी कैन रीड द फॉलोइंग नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों, हम पहले सबकी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई है। एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हो गई थी। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 5 मई 2017 को लास्ट डेट है। और इसकी लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 5 मई 2017 को है। और ऑफलाइन पेमेंट इसकी 1 मई 2017। ऑफलाइन पेमेंट मतलब आप चालान जो जनरेट करेंगे, वो चालान जो बैंक में सबमिट करेंगे बनवाएंगे, उसकी 1 मई 2017 को लास्ट डेट है। बाकी ऑनलाइन पेमेंट की 5 मई 2017 की लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट इसकी 30/7 मतलब जुलाई 30 जुलाई 2017 को इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी। और एडमिट कार्ड आपका जुलाई 2017 को किसी भी डे इसकी नोटिफिकेशन आएगी, अवेलेबल हो जाएगी। और आंसर की 2 अगस्त में इससे जनरेट हो जाएगी। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, इस सब इंस्पेक्टर की 200 रुपये लग रहा है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 100 रुपये फ़ीस है, कांस्टेबल की 100 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी एक्स कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ऑल पोस्ट ओनली फिल द फॉर्म, मतलब इनको कोई फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, एससी एसटी और एक्स कैंडिडेट की कोई पैसा नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन फ़ीस हम ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग ई चालान से भर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं, और सीआरपीएफ की वेरियस पोस्ट की 240 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसकी एज लिमिट है 5 मई 2017 को। और पोस्ट नेम देख लेते हैं, एसआई ओवर सीयर सिविल है, इसकी जनरल की 66, ओबीसी की 39, एससी की 20, एससी एसटी की 10, टोटल 135, एज 21-30 इसकी लिमिट है एज की। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, 10+2 इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब एसआई ओवरसीयर सिविल के लिए पोस्ट के लिए 10+2 होना चाहिए प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसी तरह से देख लीजिए पोस्ट नेम, कई पोस्ट नेम है, एएसआई ड्राफ्ट्समैन, सिटी मैसून, सिटी प्लम्बर, सिटी इलेक्ट्रीशियन, सिटी कारपेंटर, सिटी पेंटर। और इस ये पोस्ट नेम है, इसकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, जनरल में देख लीजिए, ओबीसी में देख लीजिए, एससी एसटी टोटल। और इसकी एज लिमिट क्या है, हर पोस्ट नेम की एज लिमिट दी हुई है, और इसकी हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी दी हुई है। अब बात कर ले फिजिकल एलिजिबिलिटी की, फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से लेकर 85 से होना चाहिए, रनिंग में देख लीजिए 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट, ये 9 मिनट में कवर करना है 1.6 किलोमीटर। एएसआई की बात करें तो 170 सेंटीमीटर होने चाहिए, 80-85 चेस्ट होना चाहिए। और इनकी ये कंडीशन ये है एएसआई में, 1.6 किलोमीटर इन 06 मिनट 30 सेकंड, 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, हाई जंप 1.2 मीटर, शॉर्ट पुट 16 LBS 4.5 मीटर। इसी तरह से कांस्टेबल सिटी की है, कांस्टेबल सिटी ये है दोनों का है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी लिंक सारी दी हुई है, ये हम साइट का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का डाल देंगे, sarkaririzalt.com पे है, इसको मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, सारी लिंक डाल दूंगा, अप्लाई ऑनलाइन की, पे एग्जामिनेशन फीस की, रीप्रिंट फॉर्म की, डाउनलोड नोटिफिकेशन की, ऑफिशियल वेबसाइट की। बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन की, अप्लाई ऑनलाइन हम जब खोलेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा, आपको सारी डिटेल्स अपनी भरनी पड़ेगी,
पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल के लिए, फिर सब पोस्ट डालना पड़ेगा, फिर एग्जाम सेंटर चॉइस करना पड़ेगा आपको कहाँ एग्जाम सेंटर आप चॉइस करते हैं, इस तरह से कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, कैटेगरी, जेंडर, इस तरह से पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। आफ्टर फिलअप फॉर्म आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जब एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा उसके बाद ही आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तभी आप फीस पेड कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन पेड कर लीजिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, चाहे चालान जनरेट कर लीजिए, चालान जाके बनवा लीजिएगा बैंक से, जिस बैंक से होगा। ये जो दो चीज़ की मैंने लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, इसका नोटिफिकेशन भी की लिंक भी मैं डाल देता हूँ आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।